माय गॉड, इसे कहते हैं रियर। और पूरा का पूरा कंप्लीट ग्लास एरिया है ये, इस तरह से कंप्लीट व्यू है। और ओहो, और इसका क्लस्टर वगैरह वहीं पर ही ग्लास के अंदर ही लग रहा है उसमें। भाई 1500 लीटर वाटर फिलिंग कैपेसिटी, मतलब मोटा मोटा 250 केजी इसमें गैस आ जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। सामने मैं खड़ा हूं कुछ ऐसी शानदार चीज़ के आगे, जिसके सामने से कोई भी गुजर रहा है ना तो भाई वो सबसे पहले तो ठहर रहा है और गर्दन उठानी पड़ रही है ऐसे करके, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है यार ये क्या चीज़ है, ये इंडिया की सड़कों पे हमने आज तक नहीं देखा। ये है अपने सामने 13.5 CNG स्लीपर बस, ऐसी आज तक मैंने नहीं देखी। लग्जरी बस, बिल्कुल प्रीमियम बस, अल्ट्रा प्रीमियम बस बहुत देखी हैं, लेकिन जैसी ये है ऐसी नहीं देखी। सबसे मेन चीज़ है इसकी हाइट, और इसकी हाइट का रीज़न ऐसे ही नहीं बना दिया कुछ भी भाई, इसकी हाइट का रीज़न है जो अंदर स्लीपर दिया है ना, वो भी भाई बैठने के लिए आपको बिल्कुल लाउंज वाली फीलिंग देता है। आप हर समय थोड़ी लेटते हो, थक जाते हो, ऊपर वाला बंदा पहले तो मज़े लेता है लेकिन उसके बाद परेशान हो जाता है, लेकिन इसमें वो परेशानी दूर कर दिया है। 13.5 मीटर लंबी बस है ये, देख रहे हो इस तरह से। अभी एक एक करके चीज़ें दिखाता हूँ इसकी। और इसमें जो आगे है ना ब्रेक है भाई, डिस्क ब्रेक लग रही है। सबसे पहले इसका लुक देखो यार, क्या बात है। ओवरऑल इसकी विड्थ की बात करें तो भाई 2.6 मीटर, 2600 mm इसकी विड्थ है। बड़ा बड़ा अशोक लेलैंड, जो कि बड़ा होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि यार जैसी चीज़ बनाई है ब्रांड का नाम तो बड़ा बड़ा होना ही चाहिए। इस तरह की डिज़ाइनिंग, इस तरह के लुक्स कभी भी नहीं देखे। और कब देख रहे हो, और ये प्रोटोटाइप नहीं है, ये कोई भी हमारा ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट बना दिया, ये रोड पर इसी उसमें दौड़ेगी। अभी बात करेंगे फिलहाल पैसे वैसे कितने हैं, लेकिन बात करें इसके वाइपर की, हाय हाय, जब बाइक खुलेंगे शीशे का कोई भी बेजल ही नहीं है, देख रहे हो कंप्लीट एज टू एज आपको ग्लास दिया गया है। यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन सारी दी हुई हैं, और कुल मिला के बात करें कितना इंजन है इसमें, इंजन इसमें अराउंड दिया है यार कितना, 6200 cc था या कितना था, एक बार देख लेते हैं फिलहाल, अभी सर से ही पूछ लेंगे। फिलहाल 250 HP की पावर देता है, 900 NM का टॉर्क जनरेट कर रहा है। सर कितने cc का इंजन था, 6.25 भाई, 6250 cc का इंजन है। अब एक बार जरा बात करें साइड प्रोफाइल की, पूरा पीछे से दिखाते हुए, वैसे आपको भी मन हो रहा होगा ना कि यार अंदर से दिखाओ पहले। चलो भाई पहले हम अंदर से ही दिखा देते हैं, फिर आपको बाहर ले आएंगे। ये है कुछ इसकी एंट्री, यहाँ से होते हैं हम एंटर वाकई में। ये है कुछ इसका इंटीरियर का फील। सबसे पहले आप क्या देखते हो यहाँ पर, जनरली हम यहाँ पर बैठने में बड़ा अनईजी फील करते हैं जब भी हम स्लीपर में बैठते हैं। ये देखो इसमें आपको इस तरह से पूरा का पूरा, भाई निकलना थोड़ा भारी पड़ जाता है। यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया चीज़ है, इतनी ज़्यादा हाइट दे रखी है, हेडरूम बहुत दे रखा है। कोई भी पर्सन इसमें बैठेगा तो भाई आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जनरली क्या सिर भी टेढ़ा वेढ़ा करना पड़ता है, और ऊपर आपको डेडिकेटेड इस तरह से दिए हुए हैं 4 AC vent, क्या बात है। बहुत बढ़िया लाइटिंग है, इंटीरियर ज़बरदस्त लग रहा है, और पूरा का पूरा कंप्लीट ग्लास एरिया है ये, इस तरह से कंप्लीट व्यू है। और ओहो भाई साहब, चौड़ाई की वजह से देख रहे हो कितना ज़बरदस्त स्पेस है। गुचुर मुचुर हो गया नहीं लेटना, जैसे होता ना चिपक चिपक के बिल्कुल लेटना पड़ता है यार, क्या फील। अच्छा यहाँ पर भी पूरे AC वेंट दिए हुए, ये रहे नीचे, बहुत सही। और टोटल इसमें 36 सीटर है, ठीक इस तरह से मैनेज किया। और इसी में अगर आप लेना चाहो कि हमें ये वाला नहीं लेना सेटअप, स्लीपर वाला, हमें नॉर्मल बैठने वाला चेयर कार जो होती है वो है, तो भाई उसमें भी आपको मिल जाएगी 52 सीटर, बिल्कुल 52 सीटर। ओके अच्छा, लास्ट वाली जो रोज़ है उसमें आपको उल्टा चलेगा। इस तरह से ये है अंदर का मामला, क्या बात है भाई, क्या सेट लग रही है ना। और कैसे लोग देखेंगे इसको जब रोड पर चल रही होगी ये, इधर अपनी दो हुई, इधर अपनी सिंगल हुई, 2x1 वाली इसमें सेटिंग दी हुई है। मेन चीज़ है कंफर्ट बढ़िया रहेगा, और कभी भी बिल्कुल आपको इसमें वो वाली फीलिंग हो तो क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली, क्योंकि विंडो एरिया, ग्लास एरिया बड़े बड़े दिए हैं, हेड रूम बड़ा दिया है, और AC वेंट आपको डेडिकेटेड इतने दिए हुए हैं जिससे कोई भी क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली फीलिंग नहीं आनी। अब ज़रा एक बार आपको कॉकपिट दिखाता हूँ ड्राइवर का, ये है कुछ ड्राइवर का कॉकपिट। और माई टीम यस, वही एंड्रॉयड सिस्टम आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें सब कुछ सारी हमने देखा है कार वगैरह में लगते हुए। बाकी मैनुअल गियरबॉक्स के साथ है, और इसका क्लस्टर वगैरह वहीं पर ही ग्लास के अंदर ही लग रहा है उसमें। जैसे चाबी ऑन होती है तो लिट अप हो जाता है वो डिजिटल फॉर्म में, ठीक ही है। ओ भाई भाई पूरा का पूरा बाहर का व्यू देख रहा, कहीं भी ब्लाइंड स्पॉट आपको यहाँ पर फील नहीं हो रहा। और अभी ये आपको इसमें मिरर वगैरह नहीं दिख रहे ना, तो भाई मिरर इसमें लगा दिए जाएंगे बाद में, अभी लुक देने के लिए।
ओके इसी डिस्प्ले में जी। तो एक बार चाबी ऑन करके दिखा सकते हैं आप क्लस्टर? हाँ एक बार दिखाओ यार, जबरदस्त सा हो जाएगा। मैडम ने बताई है कुछ नई सी चीज। कैमरे कहाँ पर लग रहे हैं? नहीं रियर व्यू मिरर तो हो गया, नहीं फ्रंट के जो। अच्छा तो हमें इधर उधर सिर नहीं घुमाना, हमें वहीं पर ही दिखता रहेगा। ओ वाओ मैम ने बहुत सही चीज़ बताई है। तो मैम एक बार क्लस्टर इसका ऑन करके दिखा सकते हैं? हाँ हाँ एक बार वो दिखा दीजिए, क्लस्टर ऑन हो जाए। तो देखो यार हेडलैम्प नहीं दिख रहे ना, हेडलैम्प इंटीग्रेटेड हैं इस तरह से। आपको कंप्लीट ब्लैक जो अपना ग्लॉसी ब्लैक वाला पैटर्न है उसी के अंदर है। बाहर से देखने में लगे ये लो यहाँ पर भी है, प्रोजेक्टर दिए हुए हैं इस तरह से। लोग यही कहेंगे ना भाई इसमें हेडलैम्प कहाँ है। डिस्क ब्रेक दी हुई है इसमें। अगर टायर साइज़ की बात करें 295/80 R 22.5 2.5 इंच का है और इसमें डिस्क ब्रेक है। कोई भी कहेगा भाई इतने लोड पे ये चल रही है अगर गाड़ी, कितना हीट जनरेट होगा, कितनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए भी इसमें जुगाड़ का रखा है, जुगाड़ हम कह रहे हैं भाई इसमें टेक्नोलॉजी दे रखी है। क्या? रिटार्ड सिस्टम, जो अपनी शाफ्ट घूमती है भाई, शाफ्ट पर ही इलेक्ट्रॉनिक वे में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वे में एक फोर्स लगाया जाता है जो कि RPM को कंट्रोल करता है। और अपना जो फोर्स है वो डिस्क पे कम आता है, लोड कम आता है। CNG है, देख रहे हो फाइबर टैंक है ये, है ना। ये टाइप फोर सिलेंडर बिल्कुल भाई, मेरी खिंचाई करी थी लोगों ने टाइप फोर सिलेंडर को लेकर। लो भाई इन बसेस में लग रहा है टाइप फोर सिलेंडर, तो क्रेडिबिलिटी पे कभी भी शक नहीं किया जा सकता है। सबसे इस समय हाईएस्ट टॉप पे जो टेक्नोलॉजी है CNG सिलेंडर में वही है, लाइट वेट के साथ साथ ब्लास्ट हो ही नहीं सकता ये, ब्लास्ट प्रूफ है ये। पंचर होगा, रप्चर होगा, ब्लास्ट नहीं होगा। अच्छा मतलब एक्सीडेंट नहीं होगा, और जो नुकसान देता है वो ब्लास्ट ही देता है। ठीक है, तो इसमें अपनी जो भाई CNG फिलिंग कैपेसिटी है ना, 375 लीटर के इसमें आपको मिल जाते हैं 4 सिलेंडर, जो कि टोटल कैपेसिटी देते हैं आपको 1500 लीटर की। भाई 1500 लीटर वाटर फिलिंग कैपेसिटी, मतलब मोटा मोटा 250 kg इसमें गैस आ जाएगी। एक जो वो होता है ना कैसेट चलते हैं, मतलब आपने ट्रक देखे होंगे CNG लेकर चलते हुए, भाई पूरा पी जाएगी एक बार में ये गाड़ी। उसमें 350-400 होता है छोटे वाले उसमें। बहुत बढ़िया, तो भाई इस तरह से ही है। और सर इसकी प्राइस क्या है? प्राइस अभी लॉन्च होगी या मार्केटिंग वाले होंगे वो लोग। अच्छा वैसे अंदाजा एक वैसे माने हम मोटा, वो जो डीजल और CNG का जो रेशियो होता है सेम रेशियो यहाँ भी रहेगा। तो डीजल में क्या है? नहीं जो बाकी गाड़ियों में अवेलेबल है। हाँ सर बिल्कुल, मतलब बोलना नहीं चाह रहे, कुछ भी कह रहे बस जाऊँगा मैं। तो भाई जबरदस्त वाली चीज़ है। और एक बार इसका वो दिखा सकते हैं सर, एक बार क्लस्टर इसका ऑन हो सकता है, क्लस्टर दिख जाए, क्योंकि वहाँ पूरा का पूरा इसका एक बार दिखा दें। कितना क्यूबिक मीटर है? 11 ओके विद CNG लेकिन एक और चीज है जो अपना ये है, डबल डेकर जो स्लीपर बस होती है, स्लीपर बस में हमारा ये वाला लोडिंग एरिया जो नीचे होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ये चीज देखिए स्लीपर बस में, हाँ इवन अमंग डीजल आल्सो दिस इज द हाईएस्ट। हाँ ये क्योंकि मैंने ये देखा था, मैंने ये पढ़ा भी था, मैं इस पे एक्चुअली पढ़ रहा था, तो ये चीज़ मैं देख रहा था। जब आपको अंदर कैबिन स्पेस बढ़ाना पड़ता है तो थोड़ा सा इसे नीचा रखना पड़ता है, हाँ नहीं तो हाइट बहुत ज़्यादा चली जाएगी। एक बार सर क्लस्टर एक बार दिखा दीजिए, हाँ चलो भाई, क्योंकि क्लस्टर इसका बड़ा सॉलिड लग रहा है यार, कितना सेक्सी सा। ये देखो दोबारा से क्या ही चीज़ लगेगी, देखो ज़रा ये यहाँ पर पूरे में आपको अगर एकदम ऑन करते ही चाबी जलता हुआ दिख जाए सब कुछ अलग चीज़ लगेगी यार, है ना। और उसी में कैमरे यार, मतलब बाहर मिरर नहीं है ना, जनरली आपको बसेस में क्या बड़े बड़े मिरर दिखते हैं वो इसमें नहीं है। तो भाई टेक्नोलॉजी अलग लेवल पे जाती जा रही है, हम देखते रहेगा कार वगैरह। और जो बसेस हैं, बसेस प्रीमियम से अल्ट्रा प्रीमियम हो गई, नेक्स्ट लेवल पे चली गई, और अब तो क्या ही क्या होता जा। ओ माय गॉड, इसे कहते हैं रियर। भाई साहब यार इसे मैं लास्ट तक क्यों छोड़ा, ये चीज़ तो शुरुआत में लाने वाली है। वॉल्वो वालों सीखो, वॉल्वो ने फ्रंट में ज़बरदस्त काम किया, इंटीरियर लाजवाब, लेकिन रियर में वो वही अपना वॉल्वो वाला डिज़ाइन दिया उन्होंने ना, ट्रेडमार्क। लेकिन अशोक लेलैंड क्या काम किया भाई, डिज़ाइनिंग टीम अल्टीमेट काम किया है, क्या गजब लग रही है। अभी ये यहाँ डिस्टेंस होता ना ज़्यादा तो भाई आपको दिखाता मैं, क्या लाजवाब चीज़ लग रही है ये, बहुत सही यार।
मस्त भाई मस्त। तो इस तरह से थी अपनी है, मैक्सिमम लेंथ है ये। आप कहोगे भाई डबल चक्का लगा, बिल्कुल। जो अपना पीछे आपको दिख रहा है ये अपना क्या कहते हैं एक्सल, ये वाले एक्सल में ये मैक्सिमम लेंथ है गाड़ी की 13.5 मीटर। इससे ऊपर अलाउड ही नहीं है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। और अगर इसमें डबल एक्सल आ जाएगा पीछे तो भाई ये 15 मीटर तक जा सकती है। क्या बात है। ये इधर अपना हाइड्रोजन सेल वाला हो गया, बाकी इधर तो अपना मस्त ज़बरदस्त गाड़ी हो गई। चलो भाई चाबी वगैरह का हो नहीं पाएगा जुगाड़ मुझे लग रहा है, तभी सर रिलैक्स हो गए रिलैक्स मोड में। तो फिलहाल वीडियो करते हैं। गाड़ी मुझे मस्त लगी, ज़बरदस्त लगी। आपको कैसा लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्त का सब्सक्राइब करना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।